Hello everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook or Instagram under the handle Let's Learn Together. So let's start with our today's topic. And जो हमारा आज का topic है वो है Hertland Theory. Sir Halford John Mackinder ने एक theory दी थी Hertland World War के time पे. World War के time पे नहीं, but उससे कुछ समय पहले 1904 के दौरान उन्होंने एक paper में एक theory दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे ज्योग्राफी आपके पावर स्ट्रगल में हेल्प कंट्रीब्यूट करती है, कैसे उसको अफेक्ट करती है और कैसे कोई भी एक जो एरिया है वो अपनी ज्योग्राफी के कारण, अपनी फिजियोग्राफी के कारण वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकता है. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरी से. तो सबसे पहले जानते हैं, एक बैकग्राउंड स्टडी कर लेते हैं हम. सर हेल्फोर्ड जॉन मैकिंडर कौन थे? सबसे पहले इन्होंने ही थ्योरी दी है हर्टलैंड की. ये एक इंग्लिश ज्योग्राफर थे, एकेडमिक थे और पॉलिटिशियंस थे और इनको फाउंडिंग फादर्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है, या सीधा साफ शब्दों में कहे सो ही इज फादर ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रैटेजी. मैकिंडर इंटरप्रेटेड हिस्ट्री इज एसेंशियली अ स्ट्रगल बिटवीन लैंड एंड सी पावर. हिस्ट्री को इन्होंने कैसे डिफाइन किया है, कैसे बताया है, ये बात कही गई है यहाँ पे. मैकिंडर का कहना था कि हिस्ट्री इज बेसिकली एक स्ट्रगल है, हिस्ट्री लैंड पावर और सी पावर के बीच. दिस जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट जो कि हर्टलैंड कंसेप्ट है वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय हिम इन 1904, वाज प्रेजेंटेड बिफोर रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ लंडन. रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी थी लंदन में, इसमें 1904 में इन्होंने पहली बार जो है ये कंसेप्ट, जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट हर्टलैंड का, उसको प्रेजेंट किया था. मैकिंडर ने एक पेपर प्रेजेंट किया था जिसका टाइटल था द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री. उसमें उन्होंने लोगों को ये समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एक फॉर्मूला, एंड वो फॉर्मूला है ज्योग्राफिकल पोजिशन इन वर्ल्ड हिस्ट्री, विच मीन्स कि कैसे आपकी जो ज्योग्राफी है वो वर्ल्ड हिस्ट्री को फ्रेम करती है, उसको अफेक्ट करती है. थ्योरी की बात करें तो उन्होंने एक फिजिकल मैप लिया वर्ल्ड का, उसको स्टडी किया और उन्होंने एक चीज कंक्लूड की कि जो हमारा अर्थ सरफेस है उसमें एक सबसे एक बड़ा और कॉन्टिन्यूस लैंडमास है, एक इकट्ठा लैंडमास है, ठीक है, और उसके अलावा कुछ आइसोलेटेड आइलैंड्स हैं. अब जो ये एक ह्यूज कॉन्टिन्यूस लैंडमास है वो है आपका यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका. रही बात आइसोलेटेड आइलैंड्स की, तो आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एंड जापान, ये जो सारे एरियाज है उसको इन्होंने कंसिडर किया था एज एन आइलैंड्स. अच्छा, अब ये जो ह्यूज लैंडमास था बीच का, इसको इन्होंने नाम दिया था वर्ल्ड आइलैंड. और जो हर्टलैंड कंसेप्ट है उसको इन्होंने बाद में कोल्ड वॉर के टाइम पे यूज किया था फॉर यूरेशिया, यूरेशिया के रीजन के लिए ये जो शब्द है हर्टलैंड उसका यूज किया गया था. हिज थ्योरी रिगार्ड्स पॉलिटिकल हिस्ट्री एज अ स्ट्रगल बिटवीन लैंड पावर एंड सी पावर विद लैंड हैविंग अपर हैंड. इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, इनका क्या मानना था कि जो हिस्ट्री है वो एक स्ट्रगल है लैंड पावर और सी पावर के बीच, एंड इनका ये मानना था कि जो लैंड पावर है वो डोमिनेट करेगी, वो विक्ट्री की तरफ होगी. चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं. अब जिस लैंडमास की इन्होंने बात की थी, वर्ल्ड का जो लैंडमास है उसको इन्होंने थ्री टायर्स में जो है डिवाइड कर दिया गया किया था. पहला है हर्टलैंड, सेकेंड है इनर और मार्जिनल क्रीसेंट, एंड थर्ड है आउटर एंड इंसुलर क्रीसेंट. चलिए अब एक एक करके देखते हैं ये क्या है. जो इनका पहला टायर है हर्टलैंड,
ये एक बहुत बड़ा एरिया है आपके इनर यूरेशिया के अंदर। ये इंटीरियर एंड आर्टिक ड्रेनेज वाला एरिया है, ठीक है। और दिस एरिया इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन थ्री साइड्स। तीन साइड इसकी माउंटेन्स ने कवर की है, एंड जो फोर्थ साइड है इन द नॉर्थ इज कवर्ड बाय आइस बाउंड आर्कटिक। तो इन्होंने क्या बताया कि ये हर्टलैंड जो एरिया था, ये आपके इनर यूरेशिया, जो यूरेशिया का अंदर वाला बीच का पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है, उस एरिया को इन्होंने हर्टलैंड कहा है। एंड ये जो हर्टलैंड है, ये तीन साइड से तो माउंटेन से कवर है, एंड अपर साइड से, नॉर्थ साइड से ये आर्टिक बाउंड है, बर्फ से कवर्ड है। इसके स्ट्रेच की बात करें तो वोल्गा रिवर इन द वेस्ट से लेके और ईस्टर्न साइबेरिया तक ये रीजन फैला हुआ है। एंड नॉर्थ साउथ की अगर बात करें तो साउथ साइड पे काफ़ी सारी माउंटेन एंड प्लेट्यू रेंजेस हैं, विच इंक्लूड्स हिमालय, सयान, आल्टी एंड हिंदू कुश। इसके अलावा भी काफ़ी सारी माउंटेन रेंजेस हैं जो साउथ साइड को कवर करती हैं। एंड नॉर्थ में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आर्कटिक रीजन है। अच्छा, इस हर्टलैंड जो रीजन है उसका एक बेसिक फीचर क्या था कि ये सी पावर्स को एक्सेसिबल नहीं था। तो इसको इन्होंने बताया कि ये जैसे सिक्योर फोर्ट्रेस, जैसे पुराने टाइम पे फोर्ट थे जो सिक्योर रहते थे चारों तरफ से, ये वैसा रीजन था जिसमें सी पावर का दूर दूर तक कोई कांटेक्ट नहीं था। बट एक जो प्रॉब्लम थी इसमें वो थी कि ये था लैंड फोर्सेस के लिए ये वल्नरेबल था, लैंड अटैक हो सकते थे इस पर। अब जैसे आप ये मैप पे देख सकते हैं, ये आपका जो पूरा पार्ट है आपका, इसमें यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, इसको इन्होंने वर्ल्ड आइलैंड कहा है। एंड इसमें फिर इन्होंने बात की है, ये प्राइवेट एरिया जो है ये है आपका हर्टलैंड। फिर ये जो कोस्टल रीजन हो गया यूरोप एंड एशिया का, इसको इन्होंने इनर क्रिसेंट। एंड अब ये जो बाकी के जो आइलैंड्स रह गए आपके, उसको इन्होंने बोला था आउटर क्रिसेंट एरिया या फिर इंसुलर क्रिसेंट। इनर क्रिसेंट के फीचर्स की बात करें तो मैकेंडर का जो पाइवेट एरिया था, हार्टलैंड एरिया था, वो सराउंडेड था इनर या मार्जिनल क्रिसेंट से। ये एक आर्क था आपका कोस्ट लाइन्स का, जहाँ पे सीज के साथ ड्रेनेज कनेक्टेड है। सीज जो सी पावर्स हैं ये वो है, सी के कांटेक्ट में है। और इट कंसिस्टेड ऑफ होल यूरेशिया आउटसाइड हर्टलैंड। हर्टलैंड को छोड़कर जितना भी यूरोप और एशिया का पार्ट बचता है वो आपका इनर क्रिसेंट में है। एक अप्रोप्रिएट अगर लोकेशन देनी हो तो हम कह सकते हैं कि यूरोप को इंक्लूड किया था इन्होंने यूरल माउंटेन्स से वेस्टर्न साइड का। यूरल माउंटेन्स के वेस्ट की तरफ जितना भी यूरोप था वो सारा, फिर आपका साउथ वेस्ट एशिया, इरानियन अपलैंड को छोड़कर साउथ ईस्ट एशिया और मोस्ट ऑफ चाइना, ये सारा पार्ट आता था आपका इनर क्रीसेंट के अंदर। बात करें अगर आउटर क्रीसेंट की, तो इनर क्रीसेंट के अलावा जो भी एरिया बच गया था उससे बाहर का था वो आपका आउटर क्रीसेंट था। और रीजन्स की अगर बात करें तो आउटर क्रीसेंट में आपके कॉन्टिनेंट्स थे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ ऑफ सहारा, और जो आपके आइलैंड रीजन से ब्रिटेन एंड जापान के, वो भी आउटर क्रीसेंट में इंक्लूडेड थे। अच्छा, इसको इन्होंने आउटर क्रीसेंट सिर्फ इस वजह से बोला है क्योंकि ये जो यूरेशिया का मेनलैंड है उससे दूर थे, उससे डिस्टेंस काफी ज्यादा था, इसीलिए इसको आउटर क्रीसेंट कहा गया है। अब अगर मैकेंडर की थ्योरी पे आए हम वापस, तो मैकेंडर ने ये बात कही थी कि जो व्यक्ति या फिर सॉरी व्यक्ति नहीं, यहाँ पे जो कंट्री या जो पावर वर्ल्ड आइलैंड को कंट्रोल करेगी वो पूरे ग्लोब को कंट्रोल करेगी। एंड वर्ल्ड आइलैंड से यहाँ पे मतलब है आपका यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। जिस पावर का इन तीनों के ऊपर कंट्रोल होगा उसका पूरे वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल होगा, ये बात कही थी मैकेंडर ने। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज कुड कॉन्कर यूरोप, द मिडल ईस्ट एंड फार ईस्ट। और जो हार्टलैंड का रिसोर्स और इंडस्ट्रियल मतलब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रिसोर्स थे, उन्होंने कहा था कि ये यूरोप को और मिडल ईस्ट और फार ईस्ट को जो है कॉन्कर करने के लिए सफिशियंट है, बहुत है।
जो इन्होंने बात कही बाकी की दो टायर्स की, वो बात इन्होंने बोला था विल फॉलो लेटर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, उन्होंने कहा था वर्ल्ड पे सबसे पहले कंट्रोल किसका होगा, जो वर्ल्ड आइलैंड को कंट्रोल करेगा, दैट मीन्स हर्टलैंड। और पहले तो हर्टलैंड का होगा पहले डोमिनेशन, वो ज्यादा डेवलप करेगा, उसके बाद इनर क्रीसेंट आएगा एंड उसके बाद आएगा आउटर क्रीसेंट। तो ये हायरार्की फॉलो होगी, ये बात कही थी मैकिंडर ने। अच्छा, इन्होंने अपना जो आइडिया है, अपनी थ्योरी है, उसको कुछ सिंपल शब्दों में कंसेप्चुअलाइज कर दिया था। उन्होंने ये स्लोगन टाइप की बात कही थी, जिसमें हम इनकी पूरी थ्योरी को कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं या फिर इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड वो था कि हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स दी हर्टलैंड। जो ईस्ट यूरोप को रूल करेगा उसका कमांड होगा हर्टलैंड पे, जो हर्टलैंड को रूल करेगा उसका कमांड होगा वर्ल्ड आइलैंड पर, और जो वर्ल्ड आइलैंड को रूल करेगा करेगा उसका कमांड होगा आपके पूरे वर्ल्ड पे। ये बात कही थी मैकेंडर ने। तो ये जो थ्योरी थी, जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने 1904 में दी थी, बट उसके बाद काफी इन्होंने जो है टाइम बाद एक मॉडिफाई किया था अपनी थ्योरी को, और इस जो मॉडिफाइड कंसेप्ट है उसको का नाम इन्होंने रखा था स्ट्रेटेजिक हर्टलैंड। एंड 1919 में जो है इन्होंने ये जो मॉडिफाइड कंसेप्ट है इसको प्रेजेंट किया था। इन 1919 ही प्रेजेंटेड द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ हिज पेपर ऑफ 1904 इन हिज बुक द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, वेयर ही रीडिफाइंड हर्टलैंड एज अ रीजन वेयर सी पावर कैन बी रिफ्यूज्ड एक्सेस। अब इन्होंने क्या कहा था कि 1904 में जो इन्होंने पेपर दिया था उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन इन्होंने डाला था अपनी बुक द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी में। इसमें इन्होंने हर्टलैंड के रीजन को रीडिफाइन किया था। कैसे? जैसे पहले इन्होंने हर्टलैंड को क्या कहा था कि सी पावर से बहुत दूर है, सी पावर का कोई एक्सेस नहीं है यहाँ पर, उससे काफी दूर है हर्टलैंड। बट 1919 में इन्होंने क्या मॉडिफिकेशन की कि ये जो हर्टलैंड है इसमें कुछ ऐसे रीजन्स हो सकते हैं जहाँ पे हम सी पावर की एक्सेस को रिफ्यूज कर सकते हैं। वहां सी तो होगा बट उसका कुछ बेनिफिट नहीं उठा पाएगा कोई राइवल, उसका हर्टलैंड को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो ये स्ट्रैटेजिक हर्टलैंड था इनका, जिसमें इन्होंने ये रीजन्स इंक्लूड किए थे, तो कुछ रीजन्स जो इन्होंने डाले थे या फिर एक्सटेंड किया था हर्टलैंड को, तो ये जगहें हैं जिसको इन्होंने इंक्लूड कर दिया था। पहला है बाल्टिक सी, फिर है मिडल एंड लोअर डानुबे, और फिर ब्लैक सी, एशिया माइनर, आर्मेनिया, पर्शिया, तिब्बत एंड मंगोलिया। इन सभी रीजन्स को अब इन्होंने हर्टलैंड में डाल दिया था, जिसका नाम रखा था इन्होंने स्ट्रेटेजिक हर्टलैंड। इन दिस 1919 प्रेजेंटेशन द वर्ल्ड आइलैंड इंक्लूडेड द होल ऑफ अफ्रीका। अच्छा, हर्टलैंड में तो इन्होंने ये सारे रीजन्स डाल दिए। एक और जो इन्होंने मॉडिफिकेशन किया था अपने कंसेप्ट में, वो ये था कि पहले जो है वर्ल्ड आइलैंड में एंटायर अफ्रीका कवर नहीं हो रहा था, वो सहारा डिजर्ट तक का एरिया हो रहा था। बट अब जो इन्होंने एक बात कही उसमें इनका जो वर्ल्ड आइलैंड था वो एंटायर अफ्रीका को कवर कर रहा था। ऑल्सो ही सेड दैट द हर्टलैंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्रेस ऑन द अर्थ कमांडिंग रिसोर्सेज ऑफ ह्यूज ट्रांस कॉन्टिनेंटल एरिया। इन्होंने कहा था कि हर्टलैंड जो है एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्रेस है अर्थ पर, एक स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है जिसका कमांड है एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल एरिया पे। ट्रांस कॉन्टिनेंटल एरिया कैसे? आपका तीन कॉन्टिनेंट कवर हो जाते हैं इसमें, आपका अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया, और हर्टलैंड का कहीं ना कहीं तीनों एरियाज के जो रिसोर्सेज हैं उन पर कमांड होगा। उसके बाद 1919 के बाद एक बार फिर से इन्होंने अपने कंसेप्ट को मॉडिफाई किया था 1943 में। जो कंसेप्ट अब इन्होंने मॉडिफाई करके डाला था अपनी थ्योरी में वो था मिडलैंड बेसिन का। तो इनका फिर से एक पेपर आया था जिसका टाइटल था द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस, जो 1943 में आया था। यहाँ पे इन्होंने बात की थी दो रीजन्स की, दो एरियाज जो है नॉर्थ अटलांटिक सी के, टू साइड्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक सी, ये थी आपकी ईस्ट साइड एंड वेस्ट साइड। अब इन्होंने क्या कहा था कि द टू साइड्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक वर बाउंड टुगेदर
but mutually supporting links of sea and air communication, and that the combined industrial and military strength of the US and Western Europe were a force to be reckoned with. अब जो आपका नॉर्थ अटलांटिक सी है, अब हमें अच्छे से पता है, ये आपका ईस्ट साइड यूरोप है, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका है, तो उसके बीच में आता है आपका नॉर्थ अटलांटिक सी. इन्होंने क्या बात कही थी कि ये म्यूचुअली एक लिंक है इन दोनों एरियाज के बीच में, नॉर्थ अटलांटिक में, जो इसको सी एंड एयर जो कम्युनिकेशन है उनको ज़्यादा अच्छे से लिंक करता है. और अगर हम इन दोनों जो एरियाज है इनकी इंडस्ट्रियल और मिलिट्री स्ट्रेंथ को कंबाइन कर दें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एंड हार्डली कोई ऐसा दूसरा पावर होगा वर्ल्ड में जो इसके साथ कंपीट कर सकता है. तो पहले तो इन्होंने बोला था हर्टलैंड इज स्ट्रॉन्गर, बट अब ये एक काउंटर बैलेंस के लिए नया कंसेप्ट आ गया, या फिर उस पावर को फाइट करने के लिए एक और पावर आ गई जो है आपके वेस्टर्न यूरोप और यूएस की. दे डिस्क्राइब दिस जियो स्ट्रेटेजिक एरिया कंप्राइजिंग द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, द ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्टर्न यूरोप एज मिडलैंड बेसिन. अब इसको इन्होंने जो है एक टाइटल दे दिया था इस रीजन को, इस एरिया को, वो था मिडलैंड बेसिन का. ये क्या क्या इंक्लूडेड थे इसमें, आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, आपका ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड आपका वेस्टर्न यूरोप, ये तीनों मिलकर बनाते हैं मिडलैंड बेसिन. He regarded this area as a counterbalance to emerging powers of Eurasian heartland, जो यूरेशियन हर्टलैंड की पावर्स बढ़ रही थी उसके काउंटर बैलेंस में इन्होंने ये जो एरिया है इसको डिफाइन किया था कि उस हर्टलैंड की पावर को सिर्फ एक पावर फाइट कर सकती है, वो है मिडलैंड बेसिन की. In 1943, he excluded from the heartland that part of Soviet Union that lied in the east of Yangtze River. एक और जो चेंज किया था इन्होंने वो ये किया था कि रशिया में करंटली, रशिया कहते हैं जिस एरिया को हम प्रीवियसली साउथ यूनियन जो था उसमें जो एरिया येंसी रिवर के ईस्ट साइड पड़ता है उसको इन्होंने हर्टलैंड से बाहर कर दिया था. ये चेंजेस किए थे उन्होंने 1943 में. क्रिटिसिज्म की अगर इनके बात की जाए तो इनकी थ्योरी में भी काफ़ी को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है, काफ़ी इश्यूज थे, एक एक करके देखते हैं वो क्या थे. फर्स्ट इज ही सिंप्लीफाइड हिस्ट्री एज पावर स्ट्रगल बिटवीन लैंड एंड सी पावर एंड इग्नोर्ड अदर फिजिकल सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स. अब इन्होंने हिस्ट्री को सिंपली एक चीज़ कह दी कि हिस्ट्री तो अभी पावर स्ट्रगल लैंड और सी के बीच में, बट वो उन्होंने ये इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया था कि हिस्ट्री को जो है बाकी के फिजिकल सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं. ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी या इस चीज़ को उन्होंने कंसिडर नहीं किया था. ही ओवर इन्फ्लेटेड द रिसोर्स एंड पावर पोटेंशियल ऑफ इनर एशियन हर्टलैंड. इनर जो एशियन हर्टलैंड है उसकी जो रिसोर्स और पावर पोटेंशियल है उसको इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा हाई दिखा दिया था कि वो बहुत हाई है. ऑल्दो वो इतना हाई था नहीं, उसको इतना ओवर इन्फ्लेट, इतना ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं थी. ओवरलुक द फैक्ट दैट हर्टलैंड वॉज अ रीजन ऑफ परमानेंट डिफिकल्टीज. अब इन्होंने हर्टलैंड को फोर्ट्रेस तो बोल दिया कि भाई सी पावर उस पर अटैक नहीं कर सकती तो वो सिक्योर है वहाँ से, बट उन्होंने एक फैक्ट को इग्नोर कर दिया, ओवरलुक कर दिया कि जो हर्टलैंड रीजन है वो परमानेंट डिफिकल्टीज का रीजन है और उसका कारण है उसकी फिजियोग्राफी, उसकी लोकेशन, वहाँ पर एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट है, एंड ये चीज़ें भी जो है किसी एरिया के फंक्शनिंग को अफेक्ट करती हैं और इन्होंने यही चीज़ को ओवरलुक कर दिया. हर्टलैंड वॉज नॉट एज रिसोर्सफुल एज इट वॉज मेड टू बी. दूसरी बात जो इन्होंने हर्टलैंड के रिसोर्सेज के बारे में बोली है कि हर्टलैंड के जो रिसोर्सेज है पूरे यूरोप को, मिडल ईस्ट को, फॉरेस्ट को कॉन्कर करेंगे, ऐसा नहीं था. जितना रिसोर्सफुल हर्टलैंड को दिखाया गया है वो उतना रिसोर्सफुल है नहीं, क्योंकि हर्टलैंड में जो ज्यादातर एरिया है वो वेस्टलैंड है. सो दिस वाज नॉट इनफ. हर्टलैंड इज नॉट केपेबल ऑफ सपोर्टिंग लार्ज पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ लैंड. अब फूड कंजम्पशन की बात करें तो हर्टलैंड जो है आपका लार्ज पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं कर सकता, वो ज्यादा पॉपुलेशन को खाना नहीं खिला सकता अपने लैंड से.
With the advancing technology, the fortress now lay open to air raids from all sides. अब टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट थी उसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि अब फोर्ट्रेस को इन्होंने सी पावर से तो बचा लिया, बट वो इतना बड़ा वास्ट ओपन एरिया है कि वहाँ पे एयर रेड्स कहीं से भी हो सकती हैं। सो अगेन ये जो इनका स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस पॉइंट था वो यहाँ पर क्रॉस हो जाता है, क्रिटिसाइज हो जाता है। दूसरी चीज इन्होंने क्या की थी, इन्होंने 20th सेंचुरी में भी मर्केटर प्रोजेक्शन का यूज किया था, जिससे वर्ल्ड की एक फॉल्स पिक्चर, गलत पिक्चर प्रेजेंट होती है। इन द सेम वे उन्होंने जो मैप यूज किया था, फिजिकल मैप, जिसके बेसिस पर इन्होंने पूरी थ्योरी डेवलप की थी, वो इन्होंने फ्लैट अर्थ का मैप यूज किया था, जो कि फिर से एक गलत सेंस देता है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करता है या उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रिटिसिज्म। थैंक यू सो मच फॉर बींग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड आई होप आपका ये जो कंसेप्ट है हर्टलैंड थ्योरी का, ये क्लियर हो गया हो एंड आपको समझ आ गया हो। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.